तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बबलू कुमार तिवारी है और मैं आप सभी के बीच सुप्रभात और गुड मॉर्निंग से सक्सेस फॉर्मूला लेके सक्सेस फॉर्मूला अगर आप यह 2023 में सीख गए तो आपका लाइफ कहां से कहां जा सकती है। मैं आपको एक सत्य बात बताने जा रहा हूं, दुनिया का सबसे ज्यादा धन 1% लोगों के पास है और 99% लोगों के पास उनके पास। कहने का मतलब कि 99% लोगों के पास जितना धन है उतना 1% व्यक्ति के पास धन है। ये दुनिया का ये फॉर्मूला क्या होता है अगर आप चाहें तो जान सकते हैं और समझ सकते हैं मेरे इस प्रोग्राम के अंदर। एक सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि उनका विजुअलाइजेशन, यानी कि जैसे आप बोले कि मुझे आज यह जानना है कि मैं सफलता पाना चाहता हूं, लेकिन वह लोग क्या बोलते हैं कि मैंने सफलता पा ली है, और वही विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को डालते हैं और धीरे धीरे उस सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइजेशन करते 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 वह सफलता के कगार पे पहुंच जाते हैं। विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है कि अगर आप जो इस कॉन्शियस माइंड को डालेंगे वो आपको मिलेगी इस पृथ्वी से। और देखिए, विजुअलाइजेशन के लिए हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि विजुअलाइजेशन किस मोड पे किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसमें कितनी प्रॉफिट होती है। अगला पॉइंट चर्चा करूंगा विजुअलाइजेशन के लिए, मैं एक दो शब्द और बोल के अगला पॉइंट पे चलता हूं। विजुअलाइजेशन में आप यह समझ पाते हैं कि मुझे अगले साल में क्या करना है। एक एक दिन की प्लानिंग आपकी होती है, एक एक घंटे की प्लानिंग होती है, हर चंद की प्लानिंग होती है। और आप इसमें सीखते हैं कि आप अपनी माइंड को ट्रेंड कैसे करेंगे। अगले पॉइंट में बिलीव, यानी बिलीव करो कि आपने वह सफलता पा ली है। जब आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा तो आप उस चीज को पाने में बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। आप यह विश्वास तो करो कि आपने सफलता पा ली है। और सफल व्यक्ति की एक बहुत बड़ी मुख्य चिन्ह है कि वह व्यक्ति अपने आप पे काम करता है, न कि दूसरे को संभालने की कोशिश करता है। और जैसे अपने आप को सुधारता है तो दूसरा व्यक्ति को बताता है कि मैंने कैसे सुधार अपने आप पे की है, और वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। आप अगले में फीलिंग, किसी भी पॉइंट के लिए फीलिंग अगर डाल देते हैं आप, तो फीलिंग ही जनरेट करने के लिए आपको उसमें इंटरेस्टेड बातें डालनी पड़ेगी कि आप कैसे फीलिंग, यानी कि मोशन, उसमें फीलिंग क्या होगा कि जैसे आपका जिस दिन बर्थडे है उस दिन आपको एक गाड़ी लेनी है, चमचमाती हुई कार लेनी है, यानी आपने फीलिंग डाल दी। और फीलिंग जैसे ही डाली वह क्या हो जाता है कि सफलता के अगले पड़ाव पे आप चले जाते हो। इसके अलावा अगला पॉइंट, यानी चौथा पॉइंट है, लेट्स गो, काम में लग जाओ। प्रोग्राम तो आपने बना लिया,
लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी सफलता कोई रोक पाएगा तो वह व्यक्ति खुद आप होंगे, खुद आप। अगर सफल व्यक्ति की एक मुख्य निशानी है कि जो व्यक्ति अपने आप की सफलता को रोक सकता है तो वो खुद है। जहां से आपने अंत किया काम को, मान लीजिए किसी कारण, तो वहीं से चालू कर दीजिए। हमें क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना है, एक्शन प्लान, एक्शन नहीं ले पाते हैं। उसके लिए अगला पॉइंट ही है टेक एक्शन और उसके बारे में स्किल्स डेवलप करना। अगर आप स्किल्स नहीं डेवलप करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो आपकी सफलता को कोई रोक सकता है और रोकेगा वही खुद आप। सफल व्यक्ति की एक मुख्य निशानी डेली वर्क करता है और कुछ न कुछ करता है। आज हमने चर्चा की सक्सेस फॉर्मूला के बारे में। पहला विजुअलाइजेशन, बिलीव करो, फीलिंग करो, लेट्स गो, काम चालू करो और टेक एक्शन लो। आप सभी को बबलू बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।